कल जो घटना घटी वो बिल्कुल आकस्मिक घटना थी। कल मॉर्निंग में जो हम लोग का मैनिफोल्ड है, जिस मैनिफोल्ड मीन्स जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है आईसीयू में, उसमें अचानक एक वाल्व उड़ गया। वाल्व में वो जो पेपर में छपी है कि ब्लास्ट हुआ, ऐसी कोई बात नहीं थी, प्रेशर के चलते वाल्व उड़ गया और वाल्व उड़ने से ऑक्सीजन लीक करने लगा और लीक करने से जो आईसीयू में उसमें से प्रेशर घटना शुरू हो गया। तो उसके लिए पहले से हम लोगों ने तैयारी रखी थी कि जितने 60 बेड्स आईसीयू में हैं सब में हमने जंबो सिलेंडर पहले से रखा हुआ था कि कोई इस तरह का लगता था कभी कभी कि इस तरह की कहीं घटना नहीं हो, तो सारे में जंबो सिलेंडर था, फ्लो मीटर था, ऑक्सीजन मास्क पहले से था। और जैसे ही ये हुआ कि प्रेशर गिर रहा है, मेरे डॉक्टर लोगों ने जो वहाँ पर थे, डॉक्टर अभिनव थे, एक और लेडी डॉक्टर थी और दो टेक्नीशियन थे, सब ने मिल के जल्दी से जो मरीज़ वेंटिलेटर पर थे सबसे पहले उनका वेंटिलेटर से कनेक्शन हटा के जंबू जेट से कनेक्शन कर दिया और बाकी लोगों का भी धीरे धीरे कनेक्शन कर दिया। लगभग आधे घंटे लगे होंगे जब वो रिपेयर हो गया, वाल्व चेंज हुआ, फिर ऑक्सीजन फ्लो आ गया, तो फिर सारा प्रश्न हो गया। सर मतलब कल जो सर 5 मरीजों की मौत की बात सामने आई वो उसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं।